hello students good morning how are you hoping that you are quite well uh, i am going to discuss you a chapter called is matter around us pure and in my previous video i have discussed about the element as you know that uh, what are elements and an element cannot be split up into two or more simpler substances because they are made up of only one kind of atom uh, this you know. Hmm. Uh, up to here we have discussed yesterday, and today we uh, I am going to proceed the same discussion uh, regarding the elements. So there are one fifty elements known at present. Yet today we know about one hundred fifteen elements, out of which ninety two element in nature. जिनमें से बानबे एलिमेंट प्रकृति में मौजूद हैं वाइल द रिमेनिंग ट्वेंटी थ्री एलिमेंट आर्टिफिशियली बचे हुए जो एलिमेंट हैं वन फिफ्टीन माइनस नाइन्टी टू कर दोगे तो जो बच जाएंगे ट्वेंटी थ्री एलिमेंट वो जो हैं मैन मेड हैं इंसान ने बनाए हैं एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स प्रत्येक पदार्थ जो दुनिया में देखने को मिलता है ये बना हुआ है इन्हीं से एक या एक से अधिक एलिमेंट से इन्हीं से का मतलब एक या एक से अधिक एलिमेंट से अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे जैसे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम दिस इज डायमंड क्रोमियम एंड दिस वन इज मरकरी ओके प्रोसीडिंग द सेम थिंग हाँ अब ठीक है दिख रहा होगा गुड एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैसेस हियर आर सम एग्जांपल्स गिवन है ना यू जस्ट गो थ्रू दिस पैरा आल्सो एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं दिस में भी सॉलिड लिक्विड और गैस एलिमेंट्स आर सॉलिड सम एलिमेंट्स आर सॉलिड सम आर लिक्विड वेर एज समेसेज एट द रूम टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड मरकरी एंड ब्रोमिन एलिमेंट्स आर लिक्विड मरकरी जो है मेटल होती हैं ब्रोमीन होती हैं नॉन मेटल ये दोनों क्या हैं सॉलिड लिक्विड है रूम टेम्परेचर uh, पर है मरकरी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा सेटअप रूम टेम्परेचर पर ये पाया जाता है थोड़ा सा मैं इसको सेट कर रहा हूँ डिस्टर्ब हो रहा है एक मिनट लगेगा हाँ ठीक है शायद चलो आगे बढ़ते हैं दिस इज यू नो वेर इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर द गैसियस ये गैशियस uh, अवस्था में पाए जाते हैं ओनली टू एलिमेंट्स मरकरी एंड ब्रोमिन आर लिक्विड दो एलिमेंट केवल मरकरी और ब्रोमिन लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर है ना मोस्ट ऑफ द मटीरियल अराउंड मेड अप ऑफ बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हम अपने चारों ओर जो भी पदार्थों को देखते हैं उनमें से uh, वो पदार्थ जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वाटर वाटर इज मेडअप ऑफ टू एलिमेंट्स वन इज़ हाइड्रोजन अनदर इज ऑक्सीजन ओके सिमिलरली सुगर इज कॉमन मटेरियल विच इज मेडअप ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सुगर तीन चीज़ों से मिलकर बना है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स क्लियरिफाई uh, किया गया है जस्ट एज ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ऑफ़ द इंग्लिश अल्फाबेट कम्बाइन द वेरियस डिट वे मेक अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेम वे अ फ्यू एलिमेंट कम्बाइन टूगेदर इन वेरियस डिफरेंट वेज टू मेक द एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट जिस तरह कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के छब्बीस अक्षरों से बहुत ज्यादा संख्या में आप अक्ष शब्दों को बना सकते हो अक्षरों से ट्वेंटी सिक्स लेटर से आप अनेका अनेक अनेकों अनेक शब्द बना सकते हो उसी तरह एलिमेंट्स से कुछ ही एलिमेंट से जो है हम क्या कर सकते हैं कंपाउंड बना सकते हैं अब इवन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट हमारी जो बॉडी है उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी कंटेन सिक्सटी फाइव परसेंट ऑक्सीजन एलिमेंट एटीन परसेंट कार्बन एलिमेंट टेन परसेंट हाइड्रोजन एलिमेंट थ्री परसेंट नाइट्रोजन एलिमेंट टू परसेंट कैल्शियम एलिमेंट एंड टू अदर एलिमेंट्स दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई है आगे समझ रहे हैं इतना तो समझ ही गए होंगे अभी तक आप अब हम आगे समझ रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड मेटल को धातु कहते हैं नॉन मेटल को अधातु कहते हैं अधातु मेटेलॉइड को उप धातु कहते हैं उप ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी इनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए इनके गुणधर्मों को देखते हुए एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया मेटल नॉन मेटल मेटेलोइड मेटल क्या होते हैं बच्चों मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मलेबल डकटाइल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी से समझा रही है बुक यहाँ पर मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो मेलेबल हों डकटाइल हों और कंडक्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी का मल Mal, मलेबल Uh, किसे कहते हैं अभी समझते हैं मैंने बताया था कल भी कल वाले वीडियो में जैसे हैमरिंग करोगे तो आप इससे थिन सीट ड्रॉ कर सकते हो पतली चादर बनाई जा सकती है पीट पीट कर धातु को पीट पीट कर पतली चादर उसकी बनाई जा सकती है मेलाइबल डकटाइल डकटाइल कहते हैं धातु को पीट पीट कर पतले तार ड्रॉ किए जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती है मतलब इसमें से मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम जिंक सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम क्रोमियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम निकल टिन लेड कैडमियम मरकरी एंटीमनी टंगस्टन मैगनीज यूरेनियम ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज मरकरी सब के सब सॉलिड हैं छोड़ कर किस मरकरी को दिज ऑल नेम्स विच आई हैव रीड फ्रॉम द बुक दीज आर दॉलिड फेज दीज आर इन द सॉलिड फेज सॉलिड अवस्था में होते हैं छोड़कर किसी को मर करी विच इज अक् एट रूम टेम्परेचर अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं इन बास बारे में समझ रहे हैं जल्दी जल्दी से चल रहे हैं। मेटल्स आर मेलेबल ये मैंने बताया मैं मेटल्स मेलेबल होते हैं मतलब अगर आप इनको हैमर करोगे तो पतली चादर इनकी बनाई जा सकती है एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स चॉकलेट्स मेडिसिन सिगरेट्स रैपर्स एक्सेट्रा मेलाइबिलिटी इज़ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेलाइबिलिटी जो है इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसकी मेटल की है ना सेकेंड है मेटल्स आर डकटाइल दिस मीन्स दैट मेटल कैन ड्रॉन इंटू थिन वायर मेटल को पीट पीट कर हम इनकी पतली तारें बनाए बना सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डकटाइल लेकिन सभी मेटल एक जैसे डकटाइल नहीं होते हैं सम आर मोर डकटाइल देन एन द अदर गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डकटाइल मेटल फॉर एग्जाम्पल जस्ट हंड्रेड मिलीग्राम ऑफ हाईली डक्टाइल मेटल लाइक सिल्वर कैन ड्रॉन थिन वायर अबाउट टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग सौ ग्राम सौ मिलीग्राम सिल्वर मेटल से आप दो सौ मीटर लंबी तार बना सकते हो देखो इसकी कितनी ज्यादा डक्टिलिटी है कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल कैन ड्रॉन इंटू थिन वायर विच आर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द डक्टिलिटी इज अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल थर्ड वन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दिस मीन्स डैट मेटल अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रो दैम इजीली इसका मतलब ये है कि इनमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन हो जाता है अगर इनको फ्लो करना चाहो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को तो आसानी से इनका फ्लो हो जाता है अब जैसे सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इट हैज़ हाइस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि यह हीट को क्या करता है फ्लो कर कर लेता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अगला है सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा सुचालक है कंडक्टर मन सुचालक मतलब इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है कॉपर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय गोल्ड एल्युमिनियम टंगस्टन है ना इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एलुमिनियम मेटल बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये इसी के वायर बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर क्योंकि ये अच्छा कंडक्शन कर पा कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का अगला है मेटल्स आर लस्टर्स मतलब मेटल्स की अपनी शाइनिंग होती है जैसे गोल्ड सुनहरा होता है है ना सिल्वर की अपनी अलग चमक होती है कॉपर की अलग चमक होती है है ना द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हैविंग शाइनिंग सर्फेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर इसको हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं जिसे ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल में की क्या होती है साइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसको मेटेलिक लस्टर लस्टर मीन्स साइनी सरफेस और चमक हिंदी में चमक कहेंगे है ना अपनी चमक होती है अगला है मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम दो मेटल को छोड़कर सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर ये सॉफ्ट होते हैं दोनों बाकी सारे के सारे मेटल क्या हैं हार्ड हैं सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि आप इसको चाकू से भी कट कर सकते हो अगला प्रॉपर्टी है मेटल्स यूजुअली स्ट्रोंग दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत उच्च कोटि की होती है इसका मतलब ये हुआ कि मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग मेटल जो है बहुत ज्यादा ज्यादा वेट को सहन कर लेते हैं बगैर टूटे जैसे आप देखते होंगे घरों में आय आयरन के सरिया पड़े रहते हैं सीमेंट के बीच बीच में ना जैसे लिंटर पड़ता है तो उसमें आयरन आयरन की इतनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि इतनी पूरी बिल्डिंग या पूरी ब्रिज का वेट जो है क्या कर लेता है होल्ड कर लेता है बगैर टूटे ठीक है अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर छोड़कर मरकरी को जैसे मैंने पहले भी बताया सारे के सारे मेटल क्या हैं सॉलिड हैं एक ही मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है अगला है मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब यह हुआ कि दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट एंड वेपोराइज एट हाई टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आयरन मेटल मेल्टिंग पॉइंट दैट इज वन फाइव थ्री फाइव डिग्री सेल्सियस दिस मीन्स दैट आयरन मेटल एंड टर्न इन टू लिक्विड आयरन मोल्टन आयरन ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर ऑफ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस अलग अलग मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पर आयरन का दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट पंद्रह सौ पैंतीस डिग्री सेल्सियस है कॉपर का है वन थाउजेंड एट्टी थ्री डिग्री सेल्सियस है ना अलग अलग मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल हैव हाई डेंसिटी मेटल्स की डेंसिटी बहुत उच्च होती है दिस मीन्स दैट मेटल्स आर हैवी सबस्टान्स इसका मतलब ये हुआ कि मेटल क्या होते हैं भारी पदार भारी पदार्थ होते हैं फॉर एग्जाम्पल मरकरी आयरन की दे रखिए आयरन की डेंसिटी सेवन पॉइंट एट ग्राम पर सी एम क्यूब है विच इज़ क्वाइट हाई मतलब अलग अलग मेटल की डेंसिटी अलग होती है अगला है मेटल्स आर सोनोरस मतलब मेटल्स को बीट करें तो ये आवाज़ उत्पन्न करते हैं सोनोरस मीन्स दे मेकिंग रिंगिंग साउंड सोनोरस है ना जैसे स्कूल में आप देखते होंगे ब्रास की बेल होती है जनरली क्योंकि उसकी उसमें सोने आवाज उत्पन्न करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है है ना आ, अगला है मेटल्स यूजुअली हैव सॉलिड सिल्वर और ग्रे कलर मेटल्स का जनरली सिल्वर या ग्रे कलर का होता है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड कॉपर और गोल्ड जो है आप देख रहे हैं अलग अलग कलर के हैं रेड ब्राउन कलर का कॉपर है गोल्ड सुनहरा होता है कॉपर रेडिश ब्राउन होता है है ना दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होपिंग कि आप समझ रहे होंगे बातों थैंक यू